एक बार ये बीजेडी की सरकार उखाड़ कर फेंक दो, यहाँ पर इसी भूमि का धरती पुत्र ओडिया भाषा बोलने वाला युवा मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले मैं महाप्रभु जगन्नाथ को प्रणाम करता हूं। मैं चंद्रशेखर मंदिर, जोरूमदा महिमापीठ, अष्ट शंभु मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर और मारुंग बुरु को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब स्वतंत्रता सेनानी बाजी राउत, महेश्वर सुबाहू, सारंगधर दास और मूसा मलिक को भी याद करना चाहता हूं। भाई ये ढेंकानाल का मगजी लड्डू है ना, भाई मगजी लड्डू जानते हो या नहीं जानते हो? अरे जोर से बोलो, जानते हो या नहीं जानते हो? देखो मोदी जी ने इसको जीआई टैग दिया है, आप 400 लड्डू तैयार रखना, परिणाम के दिन आकर दिल्ली सभी एमपी को लड्डू खिलाना है, लड्डू खिलाना है। और 75 लड्डू और तैयार रखना, इस बार ओडिशा में भाजपा की राज्य सरकार भी बनने वाली है। भाइयों बहनों, धर्मेंद्र जी ने पूरी बात करी है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे। देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो चावल मुफ्त देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी, ढेंकनल वालों, चावल मिलता है ना 5 किलो, ये नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए, 10 करोड़ को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया और 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का फायदा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। ओडिया वासियों, मुझे बताओ, आप भी कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे ना? रुद्रपाणी जी को दिया हुआ 1-1 वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा, नरेंद्र मोदी को दिया। भाइयों बहनों, इस बार ओडिशा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ओडिशा की ओडिया भाषा, ओडिया साहित्य, ओडिशा का गौरव और उत्कल भूमि के इतिहास के लिए चुनाव लड़ती। मुझे बताओ ढेंकनाल वालों, ओडिशा पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? ये नवीन बाबू ने तमिल बाबुओं को हमारा ओडिशा का राजा बना दिया है। ये ओडिया के सम्मान का सवाल है। एक बार ये बीजेडी की सरकार उखाड़ कर फेंक दो, यहाँ पर इसी भूमि का धरती पुत्र ओडिया भाषा बोलने वाला युवा मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये बाबुओं ने ओडिशा के अंदर लूट मचाई है, हमारे खनिज, हमारे खदान बेच खाए हैं। मैं आपको वादा करता हूं, भाजपा की सरकार बनाओ, ये जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है ये सभी बाबुओं को
जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, महाप्रभु का रत्न भंडार पवित्र है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये महाप्रभु के रत्न भंडार की चाबियां गुम हो गई, डुप्लीकेट चाबी बनाई, इसकी रिपोर्ट गुम हो गई, और कहते भी नहीं है कितना हेर फेर किया है। मैं आपको कहकर जाता हूं, एक बार 75 विधानसभा की सीटें जिता दो, यहां हमारी सरकार बना दो, महाप्रभु के रत्न भंडार की पाई पाई ढूंढकर उनको गुम करने वालों को हम सजा देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा ओडिशा समग्र भारत में सबसे समृद्ध प्रदेश, इसकी भूमि के नीचे इतना खनिज है कि पूरे देश का खजाना भर जाए, मगर दुर्भाग्य की बात है, देश का सबसे समृद्ध प्रदेश का नागरिक मेरा ओडिया भाई देश में सबसे गरीब है। आज ओडिया युवा नौकरी के लिए अपनी युवा पत्नी को छोड़कर, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु जाता है, 5 बार 5 साल के लिए ओडिशा मोदी जी को दे दीजिए, हम ओडिशा में आप सबको नौकरी और रोजगारी मिले ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुझे बताओ ओडिशा वालों, हर घर को, हर गरीब को 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आयुष्मान भारत योजना का, हमारे ओडिया वासियों को भी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये रोक कर बैठे, नवीन बाबू को रिटायर्ड कर दो, आयुष्मान भारत योजना हम 100 दिन में लागू कर देंगे, 100 दिन। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण करने वाली सरकार, आदिवासी, दलित, पिछड़ा समाज, माताएं, बहनें, युवाएं, किसान, उसका कल्याण करने वाली सरकार है। हमारे धर्मेंद्र जी ने पूरा एजेंडा पढ़ा है, मगर मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, हम पूरे बुनकरों को 3,000 रुपया उनको बुनकर कल्याण के लिए देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन के तहत 26 लाख बाकी घरों में पीने का पानी हम पहुंचाएंगे, और मिशन स्वास्थ्य के तहत 36,000 बेड नए बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये नवीन बाबू थोड़े बूढ़े हो गए इसलिए भर्ती नहीं हो पा रही है, आप उनको रिटायर कर दो, 2 साल में 1,50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी जी ने कहा है हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, ये 3 करोड़ में से 25 लाख लखपति दीदी हम ओडिशा में बनाने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, मैं अंत में आपको पूछना चाहता हूं, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को रोक कर बैठी थी, मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और जब पूरी दुनिया राम उत्सव बनाती थी, ये तमिल बाबू
हमें राम उत्सव मनाने से रोकते थे। ढेंकनाल वालों मुझे बताओ, राम उत्सव मनाने से रोके इसको वोट देना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए। ये ओडिया की संस्कृति और भाषा को अपमानित करने वाले बाबुओं से मुक्ति पाने का चुनाव है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगिए। मैं आज बताकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया है, इस देश को समृद्ध किया है, इस देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, यहां पर भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए, हम 5 साल में अपने ओडिशा को भारत का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1। मुझे बताओ ढेंकनाल वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे। रुद्रनारायण पानी को, आ गया रुद्रनारायण जी, रुद्रनारायण पानी को जिताओगे? विभूति भूषण प्रधान को जिताओगे? शत्रुघ्न जेना को जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय श्री राम।